जो स्पेस है, पर्टिकुलरली जो CA प्रोटेस्ट हुआ है, प्री दैट प्रोटेस्ट और जो क्रैकडाउन हुआ है यूनिवर्सिटी पर, प्री एंड पोस्ट, उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको कि वो जो स्पेस है डिस्कशन की, स्टूडेंट एक्टिविज्म को उसको थोड़ा डिमिनिश करने की कोशिश की गई है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मुझे की लगता है गई? कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है COVID-19 के बाद, तो इसीलिए अगर आपने ग्रेजुएशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करी है और आप मास्टर्स भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करें, तो मास्टर्स में आपको यूनिवर्सिटी में क्या, मतलब जो सुनने में यही लगता है कि हॉस्टल्स में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, इसके बारे में क्या कहना आपका? मतलब मैंने जो सुना हुआ है वही बता रहा हूँ और जो जिनको देखा हुआ हॉस्टल है। लॉट नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो वो अपने किसी सीनियर के साथ रूम शेयर कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में जो अनचेक जा सकते हैं, क्योंकि अगर आउटर्स रहेंगे हॉस्टल्स में तो इस पर चेक एंड बैलेंसेज तो होने चाहिए। कम्प्लीटली एग्री विद यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे फ्रेंड्स अक्सर ये पूछते रहते हैं, कंपैरिजन कीजिए जामिया और अलीगढ़ के बारे में, या फिर जामिया का कैंपस बेहतर है या AMU का कैंपस बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उनके लिए बेहतर है, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, अलग अलग फील्ड्स के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में। तो मैंने कई मरतबा आंसर भी दिया है, मगर क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो इसलिए मुझे जामिया पे एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं जामिया पे पूरे वसूख के साथ या कन्विक्शन के साथ रिप्लाई नहीं दे पाया। तो आज छोटे भाई घर आए हुए थे जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जिन्होंने बैचलर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में, तो मैंने उनसे सोचा कि आपस में एक डिस्कशन कर लेते हैं, कंपैरिजन वीडियो बना लेते हैं AMU और जामिया के बारे में डिफरेंट फील्ड्स को लेकर, तो उसी पर आज हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। तो शुरुआत अगर हम करें तो कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए हमें, कौन से फील्ड से? मुझे लगता है कि लोकेशन से, लोकेशन जामिया को लोकेशन। मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एक प्लस पॉइंट है वो उसकी लोकेशन ही है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैपिटल में है, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मुहैया हो जाती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बढ़िया है, बाकी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए कैपिटल में मिलना आसान हो जाती हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी जगह थोड़ा मुश्किल रहता होगा। तो लोकेशन के मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में है कैपिटल में होने की वजह से। मुझे भी लगता है, और पर्टिकुलरली उन प्लेसेस के लिए, उन रीजन्स के लिए जहाँ से बच्चे आते हैं, पर्टिकुलरली जो NCR में नहीं रहते हैं और दूर रहते हैं, उनके लिए आसानी ये है कि वो बाई एयर भी आ सकते हैं। ट्रेन की फैसिलिटीज़ चलो अलीगढ़ में भी अवेलेबल है, मगर हर जगह से अलीगढ़ ट्रेन है ये ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन, और एयरपोर्ट अलीगढ़ में नहीं है, यानी कि अगर कहीं से आप बाई एयर आ रहे हैं तो पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से अलग से कैब करके या फिर बसेस वगैरह और मिलती हैं एक ओखला ये भी से। है कि आपको दिल्ली के लिए इंडिया में कहीं से भी डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं, जैसे कि अगर हम जम्मू से जाते हैं तो हमें दिल्ली के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं, अलीगढ़ के लिए नहीं मिलेगी हमें, पर पहले आप यहाँ से पहले हमें जाना पड़ेगा दिल्ली, फिर दिल्ली से अलीगढ़ जाना पड़ेगा। हाँ, लोकेशन को लेकर है, मगर दिल्ली से अलीगढ़ 2 घंटे का सफ़र है अपेरेंटली, मगर जब आप दिल्ली से उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ से, उस पॉइंट पे जहाँ से आपको बस मिलेगी, तो उसमें 2 घंटे और निकल जाएंगे, फिर बस का इंतज़ार करना पड़ेगा कब निकलती है, और कैब में भी अक्सर टाइम लग जाता है क्योंकि शेयरिंग कैब में अगर आप जा रहे हो, अगर आप सोलो बुकिंग पे नहीं जा रहे। हाँ, लोकेशन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बट अगर हम कैंपस की बात करें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्लोज्ड कैंपस है बट वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, तो अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जाना है या हॉस्टल से डिपार्टमेंट में जाना है, हॉस्टल पे अलग से बात करेंगे तो उस पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती होगी, बिकॉज बीच में पब्लिक रोड है ना, वो सारी चीज़ें। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 पार्ट्स में तो नहीं, काफ़ी पार्ट्स में बटा हुआ है जामिया। जामिया अच्छा। के कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन 2 जगहों से काफ़ी अलग जगह पर भी हैं। तो हाँ, एक मामला है जो हर वक्त बच्चे भी इस चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं जामिया के, कि हमारा कैंपस है जो हमें एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए, अगर एक स्टूडेंट को अपने डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी जाना है और अगर लाइब्रेरी दूसरे गेट में है तो उसे एक रोड क्रॉस करनी पड़ेगी जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो मानता हूँ मैं ये दिक्कत है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बहुत कैंपस बटा सारे हुआ है। लोग नहीं जानते होंगे जो अभी भी AMU में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये
कि जो जिस तरीके से जामिया अभी डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो आपको बाबे सैयद से चुंगी तक की जो रोड दिखती है, वो आज से कुछ साल पहले, मे बी दो डिकेड्स पहले, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। और वो जो रोड थी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल थी। फिर बाद में नेगोसिएशन के बाद, डिमांड के बाद, जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे, अभी मुझे उनका नाम जहन में नहीं है, उन्होंने फिर उसको जो है वो नेगोशिएट करने के बाद, मेरे ख्याल में 90s की बात है, वो उसको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करवाया। कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इस मसले की जो बात है, तो वहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव वेज बनाए जा सकते हैं उसको क्रॉस करने के लिए, बट उसको बंद तो मुझे नहीं लगता कि अपने, जैसे फॉर एग्जांपल एएमयू के लिए हुआ, वो दिल्ली में होना पॉसिबल नहीं है अपेरेंटली। हाँ, अल्टरनेटिव वेज तो हुए जा सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि जो जनरल इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स, एमयू की लोकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे। एमयू की लोकेशन के बारे में यही है कि एमयू दिल्ली से 2 घंटे की उस पे है, ड्राइव पे है। आप कैब से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं दिल्ली से, आप ट्रेन से जा सकते हैं, बाई एयर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सराउंडिंग्स अलीगढ़ पे मुझे लगता है कि एक तरफ आपको ढाबे मिल जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के आसपास होने चाहिए, और ढाबे जो अलीगढ़ के हैं वो बहुत वाइब्रेंट हैं, मिसिंग है जामिया, जामिया में मिसिंग है। और मुझे लगता है कि जामिया में नहीं, जेएनयू के अलावा बहुत सारे कैंपसेज ऐसे हैं जहाँ पर ये कल्चर मिसिंग है। और ये एक रैंडम कल्चर एग्जिस्ट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो जब नए नए जाते हैं तो उनको लगता है कि ये फिजूल लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा था, 6 महीने के बाद से फिर अहमियत समझ में आना शुरू हुई थी कि वहाँ पर बैठ के जो डिस्कशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में नहीं होते, सिर्फ एम यू की यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में नहीं, बल्कि बात मैं आपसे बहुत बार सुन चुका हूँ। हाँ, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ढाबे हैं एम यू के, वो रैंडम क्रिएट नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सर सैद के प्लान का एक हिस्सा थे। जैसे कि सर सैद अपने एक मरतबा अपने रिसाला में लिखते हैं कि सोक्रेट के बारे में ये फेमस है कि सोक्रेट ने आसमान से फलसफा फिलासफी उतारी और ज़मीन में मार दी। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए लोग ये कहें कि सर सैद ने मकतबों और मदरसों के कोनों में जो लाइब्रेरियां थी उनमें से किताबें निकाली और चाय के ढाबों पर इल्म निकाला और चाय के ढाबों पर बांट दिया। मुझे ये लगता है कि जैसे अलीगढ़ में चाय के ढाबे हैं, हॉट सेंटर्स, बात करने का, डिस्कशंस करने का, हर यूनिवर्सिटी का एक हॉट सेंटर होता है, कुछ ना कुछ एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर लोग ऐसे डिस्कशंस करते हैं, स्टूडेंट ऐसे डिस्कशंस करते हैं, तो मिसिंग तो नहीं कह सकता कि अगर ढाबे नहीं है जामिया में तो हम अच्छी जो है वो सोचो फिक्र नहीं है वहाँ के बच्चों में, वहाँ डिस्कशंस नहीं होती, वहाँ भी होती हैं बट ढाबे पे नहीं होती, शायद क्लासरूम, लाइब्रेरी के बाहर, लाइब्रेरी के अंदर बाहर बैठ कर कहीं भी हो सकती है। हाँ, मैं इस चीज़ पे डिनाई नहीं करूँगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ ए वेरी वाइब्रेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इसमें तो कोई दोहरा मतलब सेकंड स्टैंड नहीं हो सकता है, पर इस पे क्वेश्चन हो सकता है, इस पे इट इज़ इन माय लिस्ट कि जो स्पेस है, पर्टिकुलरली जो सीए प्रोटेस्ट हुआ है, प्री दैट प्रोटेस्ट और जो क्रैकडाउन हुआ है यूनिवर्सिटी पर, प्री एंड पोस्ट, उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको कि वो जो स्पेस है डिस्कशन की, स्टूडेंट एक्टिविज़म को उसको थोड़ा डिमिनिश करने की कोशिश की गई है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई? ज़मीन आसमान का फ़र्क है COVID-19 के बाद, जब कैंपस खुला, सीए एनआरसी के मसले के बाद, वो तो इस वजह से भी है क्योंकि यो बॉयज और गर्ल्स बहुत ज़्यादा आ गए। नहीं, लेकिन ना, जब एक ऐसा रहता है कि जब आपके सीनियर्स होते हैं तो आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद जब यूनिवर्सिटी खुली है तो बच्चों के पास वो सीनियर्स ही नहीं थे, दे वर नो वन टू गाइड देम, तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आई बच्चों को, बच्चों को पता नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था, जो फेसेस थे वो नए थे। अगर इस पर्टिकुलर मसले की बात करें, बाकी चीज़ों में देखा जाए तो हर चीज़ में एक अलग अलग तरीके की चेंजेस आने लगी थी जामिया में। जैसे जामिया खुला कोविड के बाद, हम जामिया के बारे में जो सुनते थे, जो हमने देखा हुआ था, काफ़ी चीज़ें हमें मिसिंग लगी। हॉस्टल्स खुलने में इतना टाइम लग गया, कैंटीन्स खुलने तक में इतना टाइम लग गया, डिफरेंट गेट्स आज तक बंद हैं, जो गेट पहले खुले रहते थे वो आज तक बंद हैं COVID-19 के बाद। क्यों, मतलब उनको क्या लग रहा है कि अभी तक COVID-19 अभी नहीं, COVID-19 तो चला गया, बट वो CA NRC का जो डर है वो अभी तक है, कि वो जो बच्चों का रेवोल्यूशन था, जो बच्चों ने उस वक्त पूरे देश को जगाया, वो अभी भी डर है कि कल अगर कुछ और ले आएंगे तो ये बच्चे फिर से उठेंगे। इसलिए वो एक जो चेन चली आ रही है बहुत लंबी, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पर आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, वहाँ से ही चीज़ें फैलती हैं पूरे
आसपास के प्लेसेस पे, रीजन्स में. ये जो कोविड, पोस्ट कोविड 19 जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि एमयू में भी हमने देखा, उसकी एक बड़ी वजह हमें ये लगी कि जो लेगेसी चली आ रही थी वो ट्रांसफ़र होती है सीनियर टू जूनियर्स, वो चीज़ मिसिंग हमें मिली. यानी कि वो जो गाइडेंस था जो हमें मिला, वो जो पोस्ट कोविड जो बैचेस थे उनको वो नहीं मिला. और ख़ास करके उस वक्त क्योंकि तीन बैचेस एट ए सेम टाइम वर फ्रेशर्स, उनको मालूम नहीं था कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से सीखा जा सकता है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कहाँ पर जाकर वो चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं. तो उन्हें वो चीज़ें उन तक पहुँच नहीं पाई. तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को बहाल होते हुए कुछ वक्त लगेगा. सिमिलरली एट द सेम टाइम ये तो नहीं कहूँगा कि जामिया पे जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी या फिर जो नज़र रखी गई है, स्ट्रिक्ट नज़र रखी गई है, मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी जो है वो स्टूडेंट्स बैठकर अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, आइडियाज़ ग्रेट होने के चांसेस बनस्बत जामिया के, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चांसेस एएमयू में अभी हैं, अभी वहाँ पे वो स्पेस अवेलेबल है कि जहाँ पर आप जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस जामिया में लगी हैं जितनी ज़्यादा होती हैं एएमयू में अभी तक नहीं लगा पाए हैं. उसकी कुछ और रीजन्स हैं. रही बात कैंपस की, जैसे कि जामिया का क्लोज कैंपस है, डिवाइडेड कैंपस है, एएमयू का डिवाइडेड कैंपस नहीं है, क्लोज कैंपस है. एक तरफ ढाबे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कुछ कॉलोनीज हैं, और फिर घर रेजिडेंस प्लेसेस भी हैं आसपास. तो बीच में पर्टिकुलर फैकल्टी या कोई डिपार्टमेंट अलग है? हाँ, हमारा डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत दूर है. हमारा हॉस्टल भी दूर है, बीएसटी है, उसके बाद लॉ के अलावा भी कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं एक दो जो बाहर हैं, मगर कुछ हॉस्टल्स बाहर हैं अभी भी जो थोड़ा दूर है. घूम ली यूनिवर्सिटी इन 5-6 साल में? मैंने पूरी कोशिश की. मेरा जो शाम का वक्त होता था वो अक्सर, शाम का वक्त भी नहीं, जो क्लासेस होने के बाद का जो वक्त होता था वो यूनिवर्सिटी में ही मेरा गुजरता था. हालांकि मेरा जो कैंपस एज हॉस्टल है वो भी बाहर है, डिपार्टमेंट है वो भी बाहर है हॉस्टल, तो कभी कभी हॉस्टल भी और डिपार्टमेंट पे. तो जब भी मैं फ्री होता था, या कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं क्लास करने के लिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में चला जाता था, अर्शी खान सर की क्लास करने या बाकी कुछ क्लासेस करने, अटेंड करने, या कोई लेक्चर पता चलता था तो मैं क्लासेस छोड़ कर भी चला जाता था. मुझे लगता था कि अगर उस लेक्चर से मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ बनस्बत क्लास के, तो मैं प्रेफर करता था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ. हॉस्टल्स की बात करें तो अलीगढ़ पॉडकास्ट मेरा है, आई शुड आस्क क्वेश्चन इसकी, बट मुझे लगता है कि कुछ स्पेसेस, कुछ ऐसी अभी भी प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाया. ठीक है, मतलब इतने फ्री थे आप अपने टाइम में? मैंने फ्री नहीं था इसलिए नहीं घूम पाया. फिर भी 90% तो हाँ, उसमें अपना मज़ा था. सही है, था ना. तो अब क्या करें, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि आप एमयू में पढ़ते नहीं, आपका कैंपस इंटर होते ही ख़त्म हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं. खैर, ठीक है, नेक्स्ट. हॉस्टल्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल्स तो हैं बहुत अच्छे, मगर अगर आप फर्स्ट ईयर में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बी ए ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सपना है हॉस्टल. हाँ, हॉस्टल एक सपना है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के. जो सपना कभी पूरा नहीं हुआ, जो मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन यह मैंने ट्राई भी नहीं किया था लास्ट ईयर में, उसकी भी एक अलग वजह थी, तो वो मैं बताऊँगा आपको बाद में. पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल्स की वैकेंसी बहुत कम है बच्चों के हिसाब से, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो. इसीलिए अगर आपने ग्रेजुएशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करी है और आप मास्टर्स भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रहे हैं, तो मास्टर्स में आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा. मगर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फर्स्ट ईयर में ही जो है हॉस्टल मिल जाता है. क्राइटेरिया ही कुछ ऐसा सा है, इंटरव्यू होता है, 10 मार्क्स आपका डिस्टेंस कितना है, फिर उसके बाद आपके मार्क्स कितने हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं हॉस्टल्स के लिए. हॉस्टल मुझे लगता है कि 8 से 9 हॉस्टल्स हैं हमारे जामिया मिल्लिया. स्ट्रेंथ कितने, अकोमोडेट कितने हो सकते हैं? 3000 अकोमोडेट हो सकते हैं. तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है जामिया में हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर हॉस्टल से ही हम चलते हैं बाहर रेंट पे के जो बच्चे अच्छा अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिव के बहुत नॉट हॉस्टल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ना एक मुश्किल काम है. एक्सपेंडिचर पे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद, वेलकम टू एक्सपेंडिचर. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज़ फार एज़ आई नो 16 से 19 के बीच में हॉल्स हैं. हर हॉल में 2 से लेकर 6 तक हॉस्टल्स हैं. अकोमोडेशन लगभग मेरे ख्याल से
15,000 से 20,000 के बीच में स्टूडेंट्स अकोमोडेट होते हैं वहाँ पे। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है एज पर वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ अराउंड 36,000 to 40,000। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोगों को जो है अकोमोडेट करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी सुनता रहता हूँ अलीगढ़ के हॉस्टल्स के बारे में। जैसे कि एक कमरे में कई साल तक मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, चाहे उनका एडमिशन उनका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, या फिर अगर आप रात को सोते हैं 3 होते हैं, सुबह उठते हैं तो 7 बंदे होते हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या मतलब जो सुनने में यही लगता है कि हॉस्टल्स में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, इसके बारे में क्या कहना आपका? मतलब मैंने जो सुना हुआ वही बता रहा हूँ और जो देखा हुआ। ये डिपेंड करता है कि उस हॉस्टल में जिसको हॉस्टल लॉट हुआ है वो कैसे उस रूम को यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जब मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 2-3 महीने पहले घर से आते हैं और अपने किसी सीनियर्स के साथ रहते हैं रूम में और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बच्चे जो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको उनके बारे में भी सोचना है। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स शुड नॉट बी अलाउड फॉर एनी आउटर्स, बट ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का कि वहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और आपको हॉस्टल लॉट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 36,000 से 40,000 के बीच में स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल अकोमोडेट कर रहे हैं 15,000 स्टूडेंट्स गालिबन कम ज़्यादा, ठीक है, इतने जिनको हॉस्टल लॉट नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो वो अपने किसी सीनियर के साथ रूम शेयर कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में जो अनचेक जा सकते हैं, क्योंकि अगर आउटर्स रहेंगे हॉस्टल्स में तो इस पर चेक एंड बैलेंसेज तो होने चाहिए। कम्प्लीटली एग्री विद यू, अभी समझ। रही बात हॉस्टल्स की, अगर आप लॉ से हैं या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप पे हॉस्टल मिल जाएगा। बट बाकी बीए बीएससी या बाकी जो पर्टिकुलरली जो हॉस्टल्स हैं मेन जो कैंपस के अंदर हैं वहाँ पर हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है। कुछ हॉल्स तो ऐसे ही, डिपेंड करता है कि आपको हॉल कौन सा लॉट हुआ है। सर सैद साउथ वो हॉल है सर सैद साउथ वो हॉल है जहाँ पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि वो एंट्री ली उन्होंने और उनके 3 साल कंप्लीट हो गए तब भी उनको हॉस्टल लॉट नहीं हुआ। तो ये भी हो सकता है, बट ये है कि अकोमोडेट कर लेते हैं सीनियर। तो बात करूँ गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स को हॉस्टल बड़ी आसान, यहाँ पे भी तमाम गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। थैंक्स फॉर यू नो गर्ल्स पॉइंटिंग इट आउट, नहीं होती उतनी दिक्कत हॉस्टल पाने के लिए। फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो ये डिफरेंट हो जाता है दोनों के लिए। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए अलग और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए अलग। तो जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए आसानी होती है काफ़ी। बट अभी एक चीज़ और भी यहाँ पे ज़रूरी है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने हॉस्टल की फ़ीस काफ़ी बढ़ा दी है COVID-19 के बाद। मतलब मुझे लगता है कि 60-70% हाइक आया हुआ है। और फिर बात करें बाहर रहने वालों की, तो COVID-19 के बाद जो मुझे लगता है COVID-19 में वहाँ के आसपास के जो लोग थे, अगर उन्हें स्टूडेंट नहीं मिले रेंट पे रूम देने के लिए, तो उन्हें सारी कसर COVID-19 के बाद निकालना शुरू कर दिया। मैं जो COVID-19 से पहले जो 1 BHK 4,000 या 3,500 या 5,000 तक का था, वो अभी 7,000 से 8,000 रुपये में मिलता है। और वहीं 2 BHK 12,000-13,000 रुपये में मिलता है। तो बहुत कम ऐसी आपको मिलेंगी जगह जामिया के आसपास जहाँ पे जो है वो रेंट बहुत कम होगा। और ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें हम, तो खाने का जो जामिया की कैंटीन्स हैं वहाँ से खाना जो बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत अच्छा भी मिल जाता है कभी कभी, तो कुछ कैंटीन्स में जहाँ अच्छा मिलता है। तो उसके बाद बाहर की बात करें तो बाहर भी बटला हाउस है, जाकिर नगर है, तो खाने का तो हब है। खाने के लिए खाना आपको सस्ता से सस्ता भी मिल जाएगा वहाँ पर और अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा। और फिर बाकी कैपिटल है, खर्चा मुझे लगता है कि AMU के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल हो जाती है कुछ बच्चों के लिए अगर उन्हें हॉस्टल नहीं मिला हुआ है। तो अगर आपके पास हॉस्टल है तो आपका खर्चा लिमिटेड से लिमिटेड होगा। अगर आपके पास हॉस्टल नहीं है तो आपको हर चीज़ के बारे में सोचना है, आपको रेंट के बारे में अलग से सोचना है, आपको खाने के बारे में अलग से सोचना है, आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अलग से सोचना है, इवन कि पानी तक आपको खरीद के पीना पड़ेगा, जब तो दिक्कत आती है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी भी जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो 2,000 काफ़ी है भाई, 2,000 रुपये में आप महीना निकाल लोगे। आप कितना लेते हैं?
ऐसी बात है, नॉट ऑन कैमरा, ठीक है। तो ये है कि 2000 रुपये काफ़ी है, और लिटरली मतलब इट इज़ ट्रू कि MU में कभी कभी अगर आपको घर से पैसे नहीं आते हैं तो आप कहेंगे हफ्ते पैसों के बगैर भी निकाल लोगे, वहाँ के ढाबे वाले आपको कॉपरेट करेंगे, है ना, और वहाँ के कैंटीन्स वाले भी, मेस वाले भी, मेस में भी, है ना, मेस बहुत सस्ता है, मेरे ख्याल में 1200 रुपये मेस है, अभी शायद बढ़ के 1400 रुपया हो गया होगा, हाँ 1400 रुपये हमारे यहाँ पे। तो खाना अच्छा देते हैं, ठीक देते हैं, मतलब 1400 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा खाना है, तो काम हो जाता है कम में भी। मतलब MU एक ऐसी जगह है जो आज भी अमीर को अकोमोडेट करती है, मगर साथ में एक उस तबके से जहाँ के, जहाँ पे जिनके बच्चों, जिनके वालिदैन, जिन बच्चों के वालिदैन जो है वो बहुत कम अर्न कर रहे हैं और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो MU इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम। और एक और चीज़ है कि आपने जहाँ तक इस बारे में बात की, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कैपिटल में होने का ये भी फायदा है कि बच्चों को बहुत से काम मिल जाते हैं, जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, हमारे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का कल्चर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे बहुत ईजिली जो बच्चे जिनको मुश्किल होती हैं तो वो जॉब्स भी कर लेते हैं, कई बार ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, बहुत सी मुझे लगता है ट्यूशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, मगर मुझे लगता है कि पार्ट टाइम जॉब्स का कल्चर MU में नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सराउंडिंग्स में या दिल्ली में अगर आप ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, जनरल कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे आप जामिया को लेकर? जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कल्चर की बात करें तो जितनी मेरी सीनियर से बात हुई है तो उसमें भी COVID-19 के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क आया, आता ही है, क्योंकि जब एक लेगेसी टूट जाती है सीनियर्स के साथ तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो, तहजीब की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तक तहजीब तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी हद तक बरकरार है, कब तक रहेगी ये नहीं पता। फिर उसके बाद बात करें कि देखो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनने का एक मकसद था, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मुस्लिम्स को एजुकेट किया जाता है। एग्जैक्टली, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, COVID-19 के बाद आप किसी भी कॉमन रूम में नमाज पढ़ सकते थे, कोविड से पहले गर्ल्स कॉमन रूम की बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स कॉमन रूम। अच्छा, तो अब जैसे ही यूनिवर्सिटी खुली, खुलने के कुछ दिन बाद एक नोटिस लगता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, एक तो लाइब्रेरी के बाहर थोड़ी सी जगह थी जहाँ नमाज पढ़ते थे, तो मुझे वो कहीं किसी हद तक तो मैंने माना, लेकिन जब गर्ल्स कॉमन रूम में कहा गया कि यहाँ लड़कियाँ नमाज ना पढ़ें। अच्छा। जो नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो नमाज पढ़ने के लिए जो जगह है वहाँ पे पढ़नी चाहिए, जैसे कि मस्जिद, और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल भी अच्छा इंतज़ाम लड़की के लिए मस्जिद में नहीं था। आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर 60-80% तक बच्चे मुस्लिम हैं और वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, वो भी नमाज पढ़ती हैं, वो भी अपना सब कुछ फॉलो करती हैं, जहाँ अगर लड़के मस्जिद में जा रहे हैं तो लड़कियों के लिए वहाँ पर एक इंतज़ाम होना चाहिए, मसाजिद में अलग से इंतज़ाम होना चाहिए। तो इंतज़ाम होना चाहिए कि पहले कि कॉमन रूम में नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई होना चाहिए था। चलो लाइब्रेरी का हम किसी हद तक मान सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के बाहर कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है और वहाँ ज़्यादातर लड़के ही होते थे नमाज पढ़ने वाले, तो मस्जिद में जा सकते हैं वो लड़के। तो फिर कल्चर पर आते हैं दोबारा, तो यही है कि COVID-19 के बाद जब वो लेगेसी टूटी तो कल्चर थोड़ा जो है वो, जो लेगेसी थी, जो पहले कल्चर था वो नहीं रहा है अब जामिया में उतना, क्योंकि अब बहुत ही अलग सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। कभी कभी आप देखिए ना कि आप सोसाइटीज़ की बात करते हैं जब आप, कि जब डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। तभी बोलो ना, यो बॉयज़ और गर्ल्स की एंट्री के बाद चीज़ें बदली, सॉरी नॉट हर्ड समर, कह सकते हैं आप। ये यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। दो अलीगढ़ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वेयर जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ ए डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसलिए 50% सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को कायम करने की एक बड़ी वजह ये होती है कि मुस्लिम्स जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि मुस्लिम कल्चर को रिजर्व किया जाए। तो जब भी आप ये चीज़ मेंशन करते हैं कि कैन नॉट बी रॉन्ग कि आप ऑफर करें नमाज, तो वो इस वजह से भी, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी शिफ्ट आया है या फिर वही कि नई जो जनरेशन आई है, तीन बैचेस एक मरतबा जब एंट्री लेते हैं एज ए फ्रेशर्स, तो सीनियर्स बहुत कम थे तो उन्हें वहाँ से वो चीज़ें सीखने को नहीं मिल पाई हैं अभी तक। आई होप कि ये जो गैप है, ये वैक्यूम जो है, जल्दी कवर अप हो, लोग सीखें जल्दी से। मगर कल्चर में हल्का सा शिफ्ट आया है, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट है,
कुछ नेगेटिव शिफ्ट भी है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बात करने के तरीके को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, है ना। एक एक मरतबा का मैं आपको बताऊं कि मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो एक दो स्टूडेंट्स जो है वो ज़ोर ज़ोर से लात मारे थे दीवार को, दीवार पर जो साइड लाइनिंग होती है नीचे वाली, वहाँ पर जो मार्बल लगा होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, तो मैं देखता रहा वहाँ पर, उसने वो उखाड़ा वहाँ से और उखाड़ के लेके जा रहे थे। मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हो, कहते वो रूम में ज़रूरत है, कूलर के नीचे रखेंगे। तो मैंने कहा यार ये आपकी यूनिवर्सिटी है या व्हाट द हेल यू आर डूइंग विद दिस। फिर मैंने समझाया उन्हें, खैर वो समझे शायद नहीं। मैं एक और चीज़, अलीगढ़ के जब कल्चर की बात आती है, रूल्स की बात आती है, तो बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं स्लीपर्स के बारे में, ट्राउजर्स के बारे में। कई बार तो मैंने सुना लड़के जो है वो बारिश में जब छाता नहीं लेके चल सकते। इसमें क्या है, अगर कुछ है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, अगर नहीं है तो ये फाइन कहाँ से उठती हैं? देखें, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई तो जो यूनिफॉर्म थी यूनिवर्सिटी की वो शेरवानी थी, फीमेल्स के लिए भी मेरे ख्याल से वाइट कुर्ता पजामा था। यूनिफॉर्म होती है हर जगह की, कोई ना कोई चीज़ लेगेसी होती है, चीज़ होती है, तो वो विद द टाइम वो चीज़ें शिफ्ट हुई, तो शेरवानी स्पेशल ओकेजन के लिए रह गई। और बाकी अगर आपको लाइब्रेरीज जाना है या बाकी जगहों पर जाना है तो आपको जो है वो फॉर्मल्स पहनने। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कल्चर राइज ट्रेडिशन बन गया कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में एंट्री लेंगे तो आप फॉर्मल्स में एंट्री लेंगे, यानी कि आप बाथरूम चप्पल लगा के आप क्लासरूम्स में नहीं जा सकते, बाथरूम चप्पल्स लगा के आप लाइब्रेरीज में नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि हर एक जो ग्रुप होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब हाउ वुड यू फील कि आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ का ड्रेस कोड कुछ हो रहा है, लेट अस अज्यूम के डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट आर्मीज होती है, आप वहाँ पे जो है वो बनियान और धोती पहन के नहीं जा सकते। मैं मान सकता हूं आपकी बात को, लेकिन हॉस्टल्स में भी, आप हॉस्टल्स के अंदर नोबडी इज गोइंग टू चेक यू। और वहाँ पे मेस में कुछ मैसेज में आज भी ऐसा है कि वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप स्लीपर पहन के लाएँ, बल्कि कुछ मैसेज में ये एक नॉर्मल, मतलब इट इज़ ए न्यू नॉर्मल कि आप पहन के जा सकते हैं। ट्राउज़र लोअर यू मीन? हाँ, लोअर भी आप पहन के लाइब्रेरी या क्लासरूम्स वगैरह में या फिर जो इस तरह के प्लेसेस हैं वहाँ पे इट इज़ नॉट सजेस्टेड। उसकी वजह मैं आप बता चुका हूँ, अगर मैं संडे है और मुझे आज यूनिवर्सिटी क्लासेस में नहीं जाना, मुझे लाइब्रेरी में जाना है, मैं तो लोअर में ही जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अभी एमयू में एडमिशन नहीं लिया आपने, तो शुरू शुरू में मुझे भी लग रहा था, फिर एट ए टाइम मुझे लगा कि ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो एक एक ट्रेडिशन भी है। और आप ये समझिए कि अनमेंशनड यूनिफॉर्म है लाइब्रेरी एंट्री में, सो इसमें मैं कोई, मतलब इट इज़ नॉट इलॉजिकल, या मैं इसको मैं बुरा नहीं समझता हूँ। तो ये दिस इज़ हाउ आई सी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये छाते में छाता ये बारिश में ये इस पर हम बहुत देर तक हंसे थे जब हमें ये पता चला था, बट मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई रोक है, आप लेके जा सकते हैं। मतलब ये ऐसे ही हवा में किसी ने बात कर दी। ठीक है, बात करते हैं फैकल्टीज़ की, सॉरी फैकल्टी की, फैकल्टीज़ कैसी हैं, मतलब प्रोफेसर्स, वो सारी चीज़ें? डिपेंड्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सेम भी है, बहुत अच्छी फैकल्टी भी मिल जाएंगी आपको, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जो आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे, आपको ऐसे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जो आपको डांट के बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, बहुत प्यार से भी समझाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं, बहुत हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर क्लासेस एंड ऑल। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव जामिया के बच्चों में अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, क्या तो वो पॉजिटिव है? मैं किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे से अगर कभी बात करता हूँ तो वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ ही बताता है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने प्रोफेसर्स के बारे में। तो वो एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे जामिया की, कि जो प्रोफेसर्स हैं, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो लाइक बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके सॉल्यूशंस देते हैं, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो। किस्मत वाले हो आप, बहुत। हम हमारे यहाँ पे तो हर डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो जानते तो बहुत कुछ है मगर अपनी नॉलेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। हमारी फैकल्टी में भी बहुत अच्छे टीचर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत ऐसे हैं कि जो जानते हैं कन्वे नहीं कर पाते हैं, कुछ क्लासेस भी मिस करते होंगे। हाँ, मतलब ये है कि कुछ बहुत मेहनती हैं और कुछ लिथार्जिक भी हैं, कुछ आलसी भी हैं, है ना, जो सिर्फ यू नो यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, स्पेस फॉर स्टूडेंट एक्टिविज्म ये डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत,
मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया COVID-19 के पहले की बात करें तो एक डू यू हैव यूनियन स्टूडेंट यूनियन नो डोंट एक बहुत ही मुझे लगता है ड्रॉबैक है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए कि वहाँ पे यूनियन नहीं है. अगर यूनियन होता है तो मुझे लगता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम्स, आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे इंडिया को देखते हो, आप पूरी दुनिया को देखते हो, आप हर प्रॉब्लम्स, आप हर दुनिया की हर प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हो. तो जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो यूनियन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बात हर जगह एक सही अंदाज में रख पाती शायद, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन नहीं है, डिसॉल्व कर दी गई थी. इसीलिए मुझे लगता है कि जामिया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट एक्टिविज्म में शायद अभी जितना है बहुत है, जितना और बेहतर पोटेंशियल है, जितना मुझे लगता है जामिया के बच्चों ने काम किया है और पोटेंशियल पूरे इंडिया में किसी ने इतना और पोटेंशियल है, हो सकता था और अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी यूनियन ना होने के बावजूद भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ऐसे बच्चे, ऐसे एक्टिविस्ट इंडिया को दिए हैं जो काम कर रहे हैं और जो आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ से आवाज़ हिलते भी हैं. जी ऐसा ही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात को. इन केस ऑफ AMU अगर हम पास्ट की लेगेसी देखते हैं उसमें बड़ा फॉल आया है, बट उसके बावजूद आई वुड से कि जो स्टूडेंट एक्टिविज्म AMU में है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे इंडिया को लेके. इट्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट क्योंकि स्टूडेंट यूनियन काफ़ी अर्से से अभी इलेक्शन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कोविड से पहले लास्ट टाइम 2018 या 2019 में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से अभी तक इलेक्शन नहीं हुए. यू नो कीपिंग इट असाइड स्टूडेंट एक्टिविज्म AMU में अभी भी वाइब्रेंट है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कुछ लोग हाईजैक करते हैं उसमें, एक रीजनलिज्म इज अनदर प्रॉब्लम इन AMU की, जो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो भी रीजनलिज्म की बुनियाद पे होते हैं, सिर्फ इलेक्शन बिरयानी का कोई इशू नहीं है. ऐसे हमने भी हाई नो ऐसे भी हमने देखेंगे एक स्पीच की और अगले दिन पूरे का पूरा इलेक्शन का जो वो था तब्दील हो गया. मतलब जो लास्ट स्पीच होती है, लास्ट स्पीच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो स्पीच से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वेदर यू आर कैपेबल टू लीड और नॉट. नहीं बाकी चीज़ें भी, फॉर एग्जाम्पल 3 साल में यू वॉन्ट बी एबल टू एनालाइज कि इसके पीछे का रिकॉर्ड क्या है, तो वो एक बड़ी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स चलो लेट अस अज्यूम कि इसका करेक्टर अच्छा होगा, ये बात रखने की कोशिश करेगा कि बात रखने की काबिलियत भी है या नहीं है, इश्यूज़ को जानता भी है या नहीं है, तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है वो स्पीच. आई वुड सजेस्ट यू कि कभी मौका मिले तो उसको सुनिएगा. AMU की लीडरशिप अभी भी वाइब्रेंट है, अगर कुछ ढंग के लोग अगर निकलें अगर उस चीज़ को वहाँ पर लीड करें, ढंग के लोग निकले हैं जो आज वाइब्रेंट है बहुत. हाँ अभी अभी रिसेंट की जो इंडियन पार्लियामेंट में वहाँ पे 4 MPs अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे, इंक्लूडिंग आजम खान, तो इस तरह के और बहुत सारे जी जी जिन्होंने मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है, जो कि मैं समझता हूँ कि इज एन एसेट फॉर द पीपल अराउंड. हसन भाई से बात की जा सकती है उस बारे में. जी जी करिए. ठीक है, डिबेटिंग सोसाइटी के बारे में क्या, डू यू हैव डिबेटिंग सोसाइटी सीरियसली? मैं अभी भी हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास इंडिया के बेस्ट डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स की रोलिंग ट्रॉफीज़ हैं. मुझे लगता है कि जितना जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिबेटिंग सोसाइटी ने काम किया है, एमर्ज किया है, जीता है, उतना कोई और सोसाइटी नहीं कर पाई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में. उसकी बड़ी वजह मैं बता देता हूँ आपको. हमारे सीनियर्स जो लेगेसी आज तक उन्होंने कायम रखी हुई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसी रोलिंग ट्रॉफीज़ हमारे पास हैं जो हम 3-3, 4-4 साल से जीत रहे हैं. एग्जाम्पल देता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहाँ उर्दू में हमेशा जामिया मिल्लिया इस्लामिया ही जीतता है और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कभी कभी जीतता. उर्दू की टीम्स कितनी होती हैं? उर्दू की टीम्स अच्छी खासी होती है. क्या बात कर रहे हैं. और उर्दू की बात करें, बाकी यूनिवर्सिटी अगर आप रिसेंट की बात करें, अगर मैं रिसेंट बात करूँ तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिबेटिंग सोसाइटी ने बाकी अगर AMU की बात कर लें तो उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. मुझे वो जो पहले दिखता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटीज़ में, वो वैसा कर नहीं देखने को मिला. बाकी मैं बात करूँ अपने सीनियर्स की, के एक सीनियर है हमारे जिन्होंने इंडिया के 90 डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन्स जो एक अच्छे नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन्स थे, उनमें पार्टिसिपेट किया था जामिया की टीम्स ने, और उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 85% से ज़्यादा कॉम्पिटिशन जीते थे. ग्रेट ग्रेट. तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिबेटिंग सोसाइटी ऐसी है जिसने और डिबेटिंग सोसाइटीज़ को जन्म दिया है. लफ्स एक एग्जांपल है उसकी, जो आज लफ्स फॉर्म है इंडिया का, भी बहुत अच्छा डिबेटिंग फॉर्म है. पार्टिसिपेटेड इन LPU. तो
वही है कि आप देखिए कि जामिया की डिबेटिंग सोसाइटी से जो निकल रहे हैं वो इस वक्त बड़े बड़े जो है वो न्यूज़ चैनल्स पर भी हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बट उसके बाद अभी की बात करें तो हाँ कह सकते हैं कोविड के बाद अच्छा परफॉर्म किया है जामिया ने डिबेटिंग में, बट स्टिल वही कुछ मिसिंग है थोड़ा, वी हैव हो जाएगा। मुझे लगता है कि डिबेटिंग सोसाइटी की जहाँ तक बात है तो यूनिवर्सिटी से कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को मोटिवेट करते रहिए कि आप कॉम्पिटिशन्स में जाइए, आप बच्चों को हेल्प कीजिए, आप बच्चों को बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं, क्योंकि मेल ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी DSW के पास जाते हैं, डी स्टूडेंट वेलफेयर के पास, कई बार कम्युनिकेट नहीं होता। यानी कि यह है कि यूनिवर्सिटी का ज़रूरी है, मतलब यह कि एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट कम है, कम। ठीक, अब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब है, वेल इस्टेब्लिश्ड, मेरे ख्याल में 70s के बाद से लेकर अब तक वो कंटिन्यूसली इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या मैं समझूंगा वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर लर्निंग नॉट ओनली डिबेट्स बट राइटिंग स्किल्स एज वेल। COVID-19 के बाद ऑब्वियसली बात है कि आपके यहाँ पे भी फॉलो है, हमारे यहाँ पे तो पूरा बहुत खतरनाक तरीके से चीज़ें बदली हैं। मुझे लगता है COVID-19 ऑनलाइन डिबेट्स हमने काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी कॉम्पिटिशन जामे में COVID-19 के दौरान भी जीते हैं और COVID-19 के बाद भी उतना फॉल नहीं हुआ है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से संभाला है कुछ सीनियर्स ने। हमारे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मैं समझता हूँ कि अनस्टेबल रही हैं डिबेट्स को लेकर, बाकी क्योंकि डिबेटिंग क्लब जो है हमारा वो लिटरेरी फेस्टिवल भी करवाता है, द ओनली स्टूडेंट रन यू नो लिटरेरी फेस्टिवल इन इंडिया, वहाँ पे वो भी इस मरतबा भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बीच में रोक दिया था लास्ट टाइम व्हेन वी ट्राइड, दैट वाज अ वेरी फाउल प्ले बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, पहले परमिशन दी उन्होंने बाद में वो कर्ब कर दिया था, तो वो वही है कि डिसेंटिंग इस मरतबा हो ही नहीं पाए, इस मरतबा फिर से आई थिंक दे आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजंस, मेरे ख्याल में उन्होंने इस मरतबा भी कुछ फॉल रीजंस देते हुए उसको बोला कि पोस्टपोन करते हैं, हम बाद में करवाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन अगेन, अगर आपके यहाँ पे डिबेटिंग की बात करें तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ बहुत मिसिंग है, क्या आपका सर सैयद मेमोरियल डिबेट और हमारा जाकिर हुसैन, बट हमने सर सैयद मेमोरियल डिबेट करवाया है इस साल नहीं हुआ, बट लास्ट टाइम हुआ था और जामिया को 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, तो वो कोशिश करते रहते हैं जो अभी भी जूनियर्स हैं हमारे वहाँ पे, दे आर ऑडियंस से रिलेट कर पाएगी डिबेटिंग सोसाइटी। अच्छा हाँ डिबेट, चलिए ठीक है, ये है, मगर ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो डिबेटिंग जो बच्चे आते हैं डिफरेंट, वन ऑफ द बेस्ट डिबेटिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटीज़ भी और जो बच्चे भी डिबेट करते हैं बहुत कायदे की डिबेट करते हैं, और उर्दू को लेकर मुझे नहीं लगता कि तीसरी कोई यूनिवर्सिटी आसपास है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, इंग्लिश के लिए भी, मतलब आई डू रिमेंबर फ्यू ऑफ द वाइब्रेंट डिबेटर्स फ्रॉम बोथ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड AMU, नो डाउट इन दैट। हाउ डू यू सी दीज यूनिवर्सिटीज़ फॉर वुमेन? आई थिंक जामिया मिलिया फीमेल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे तो कुछ ऐसा आज तक फील नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर की बात करूँ मैं तो मुझे बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो वुमेंस के लिए सही नहीं है या वुमेंस यहाँ पे सेफ फील नहीं करते, ऐसा कुछ भी आज तक एक भी इंसिडेंट मेरी नज़र में या मैंने नहीं सुना जामिया के अंदर हॉस्टल्स में या कुछ ऐसा, या खुद कोई मेरा दोस्त या कोई कुछ आके मुझे कहे कि कुछ ऐसा है, आई थिंक इट्स बेस्ट, बहुत सही। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है कि AMU में अगर हम अपनी बेटी को भेजें तो कैसा रहेगा, सो आई स्टिल मेंशन देम कि हिंदुस्तान में AMU से बेहतर यूनिवर्सिटी फीमेल्स के लिए नहीं, और पर्टिकुलरली मुस्लिम फीमेल के लिए नहीं, कल्चर के हिसाब से, तहजीब के लिहाज से, हर लिहाज से AMU इज़ बेस्ट फॉर द ऑल फीमेल्स, पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम्स, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ऑफकोर्स एज यू मैंशनड के यू डिड नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, हो सकता है कि एक दो इंसिडेंट्स ऐसे इंडिविजुअल लेवल पर रहे होंगे, बट ओवरऑल इट इज़ ए सेफ यूनिवर्सिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट, इज़ देर एनीथिंग एल्स वी आर मिसिंग? मुझे तो नहीं लगता, बट सिर्फ मुझे लगता है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की कंपेरिजन की बात आती है तो मुझे लगता है कि 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी अप्लाई करते हैं और AMU में भी अप्लाई करते हैं, मतलब इंट्रेंस की बात होनी चाहिए। हाँ, हाउ टू मेक एंट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ज़्यादा मुझे अंदाज़ा है, तो हर BA की बात करें, हम ग्रेजुएशन की बात करें तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है वो एक ही मेन इंट्रेंस, हाँ मेन इंट्रेंस, कॉमन इंट्रेंस, तो हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। जामिया मिलिया इस्लामिया हर सब्जेक्ट का अलग से इंट्रेंस लेता है, अलग से उसका सिलेबस निकलता है, तो वो एक पूरा जो है वो अलग रहता है। अगर आपको
हिस्ट्री में जाना है तो आपको हिस्ट्री के लिए अलग से इंट्रेंस देना पड़ेगा, अगर आपको इस्लामिक स्टडीज में आना है तो उसके लिए अलग, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए अलग इंट्रेंस रहता है। तो बात करें वही 50% रिजर्व रहती हैं मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए जे एंड के लिए भी 2% रिजर्व रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इंट्रेंस का जो लेवल है तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने अगर अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो क्वालिफाई हो सकता है। बहुत है। सेम यहाँ पे भी ऐसा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है और पर्टिकुलरली बी और बीएससी के लिए अलग, या फिर अगर लॉ डिपार्टमेंट है तो लॉ का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई हो सकता है। और इस पर अलग से भी वीडियोज़ बना रखी हैं मैंने, तो मेरे ख्याल से हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर यहाँ। बिल्कुल। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एएमयू के सेंटर्स हैं वो बहुत सारी प्लेसेस में भी हैं और जामिया के भी हैं, यानी फॉर एग्जांपल जैसे श्रीनगर में जामिया का भी सेंटर है और एएमयू का भी सेंटर है मोस्ट ऑफ दस स्कूल के। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे कि आपने मेंशन किया कि 2-3 महीने में अगर कोई कोशिश करेगा तो क्वालिफाई हो सकता है, तो सेम क्वालिफाई हो सकता है। अब क्वेश्चन उसके बाद राइज होता है कि दोनों में एंट्रेंस हो गया तो क्या, वो आई वुड से कि वो मैटर करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स एएमयू के मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, जामिया के कुछ और अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास कम्युनिकेशन जामिया मिले इस्लामिया में एक्सपोजर था समझ जाता है। अब अगर हम अभी 2-3 सालों की बात करें तो जामिया मिले इस्लामिया ने बहुत से आरसीए की बात करें, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की बात कर लें, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है इसमें और फर्स्ट रैंक तक जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चों ने लाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ आरसीए ऑफ जामिया एंड आरसीए ऑफ एएमयू। मुझे नहीं, आई डू नॉट नो द रीजंस व्हाट द फैक्ट इज, ये बात आपकी सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एएमयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट है या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट जामिया का भी अच्छा, तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जामिया का बहुत अच्छा है। लॉ डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि इट मैटर्स कि आपको अगर लिटिगेशन करनी है तो स्कोप जो है वो जामिया में एक्सपोजर के हिसाब से और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जुडिशरी के लिए एम यू इज़ बेटर लॉ डिपार्टमेंट को लेकर। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। तो है सीयूईटी का जो मसला है, मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया सीयूईटी को लेके आई थिंक इट इज़ सेफ, बट एएमयू क्योंकि एएमयू का जो केस है अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का केस वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो 50% तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिजर्व रहेगी, बट स्टिल जामिया अलीगढ़ में जो भी बच्चा आता है तो उसके, और उसके अलावा भी सीयूईटी के आपने बहुत सारे नुकसान हैं तो वो इम्पैक्ट करेगी जामिया अलीगढ़ में, उसमें अलग से। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे तो नहीं लगता, मेरे दिमाग में तो भी कुछ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जामिया एंड एएमयू, एंड वी मस्ट मेंशन कि बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर एसेट्स of the people or particularly of the Muslims, और मुझे लगता है कि ये institutions वो institutions हैं जिनके बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ पर आज हैं वहाँ पर हो पाते। यहाँ पर भी अक्सर आप फैकल्टीज़ देखेंगे यहाँ पर कॉलेजेस में, वो AMU की ही फैकल्टीज़ हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की यहाँ पे कॉलेजेस में, या बड़ी बड़ी पोस्ट पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, या जुडिशल ऑफिसर्स देख लें आप, जस्टिसेस बहुत सारे हैं वहाँ से आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेगेसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन लेगेसी को आगे ट्रांसफ़र करते रहें, तहसीब को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। और पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या अदर कॉलेजेस, बिकॉज वहाँ पर आपको सिर्फ रटा मारना नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पर तरबियत, वहाँ पर इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप बोथ AMU एंड जामिया सर्वाइव फॉर एवर। थैंक यू।